वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, जैसे कि आप जानते हैं कि जो पूर्व में रिजल्ट जारी कर दिया गया था राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 का, जैसे कि जो लगभग 4 नवंबर को जारी किया गए परीक्षा परिणाम जो थे पूर्व में, उनको अब रिवाइज कर दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं 4 नवंबर को जारी किए गए थे, अब उन्हें आज यानी 30 नवंबर को रिवाइज कर दिया। रिवीजन में क्या क्या तर्क दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं। पॉइंट लिखा हुआ है कि क्या हुआ था कि EWS के कुछ कैंडिडेट थे, उन्हें प्रोविजनल लिस्ट में रख दिया गया था, ठीक है। अब इन्हें मेन लिस्ट में कंसीडर कर लिया गया है, क्योंकि EWS का जो सिलेक्शन था वो उन्हीं की कैटेगरी में किया जाना था, तो इस कारण से रख दिया गया। अब जो है कुल विज्ञापित पद EWS के, जैसे कि आप देख सकते हैं, 41 थे, और 41 के अनुसार जो पहले पद थे वो 156 पद, और अतिरिक्त जो कैंडिडेट हैं वो 12 अब चयनित किए गए हैं। तो उनकी लिस्ट भी देख लीजिए, तो 12 कैंडिडेट नए ऐड कर दिए गए हैं, जिनको पहले प्रोविजनल लिस्ट में रख दिया गया था। तो ये जो कैंडिडेट हैं वो हैं और न्यूली एडेड हैं, तो स्टार, जैसे कि यहाँ पर स्टार लिखा गया है, तो जो पहले प्रोविजनल लिस्ट में थे अब उन्हें मेन लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। अब क्या हुआ, जो कैंडिडेट पहले EWS के मेन लिस्ट में आ गए थे, अब उन्हें क्या कर दिया गया है, अनअर्हत कर दिया है, डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। तो डिस्क्वालीफाइड में केवल 7 है और नए 7 कैंडिडेट ऐड हुए हैं। तो ये वाले जो कैंडिडेट हैं वो मेन लिस्ट EWS की ही हैं, और इनको अब डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ठीक है। अब जहाँ तक आप देख सकते हैं, 30 दिसंबर तक अब ये रिज़ल्ट मतलब डॉक्यूमेंट भेजना है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, इंटरव्यू की जो स्क्रूटनिंग है, पहले जहाँ हम मान के चल रहे थे कि दिसंबर में ही हो जानी थी, लेकिन अब वो काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, और इस हिसाब से आप देख सकते हैं इंटरव्यू भी अब आपका डिले हो सकता है, ठीक है। वहीं प्रोविजनल लिस्ट में क्या है, प्रोविजनल लिस्ट में भी कुछ चेंजेस हैं, तो 3 अतिरिक्त कैंडिडेट हैं वो ऐड कर दिए गए हैं प्रोविजनल लिस्ट में, ठीक है। तो ये वाले क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं प्रोविजनल लिस्ट जनरल कैटेगरी, ठीक है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, तो 2 नए कैंडिडेट ऐड हुए हैं, उनके नाम इस प्रकार से हैं। और वहीं डिस्क्वालीफाइड में कौन कौन से हैं, तो 2 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड कर दिए गए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो भी अब नए कैंडिडेट ऐड हुए हैं प्रोविजनल से, उसमें तो कुल मिला के 7 और 12, तो 5 कैंडिडेट एक्स्ट्रा वहाँ पर हुए हैं, तो उनको भेज देना है अपने डॉक्यूमेंट। और जो डिस्क्वालीफाइड हुए हैं उनको अब पता नहीं किस बेसिस पर डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है, क्योंकि ना ही आपके मार्क्स 100 हैं, ना ही कट ऑफ और ना ही OMR, तो क्या चल रहा है आयोग में कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि इनको किस बेसिस पर डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है, क्यों क्वालिफाई फिर से हो गए हैं। हालांकि क्वालिफाई जो हुए हैं कैंडिडेट, उनका एक रीज़न यही था कि उनको प्रोविजनल लिस्ट में रख दिया गया था, जो कि गलत था। वहीं अब जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, तो उनको किस बेसिस पर डिस्क्वालीफाई किया गया, क्योंकि मार्क्स वगैरह देखो 100 नहीं है। कुछ भी चीज़ अब फेयर होती हैं तो वो चीज़ बहुत अच्छी रहती है, रिज़ल्ट जो रहे फेयर रहे इसकी आशा हमेशा बनी रहती है। तो ये ज़रूरी है कि आप या तो OMR दें, हमें मार्क्स शो कर दें पर कैंडिडेट के। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, पहले जो रिज़ल्ट आया है SES 20 का, उसमें भी जो कैंडिडेट इंटरव्यू दिए हैं उनके मार्क्स भी शो नहीं किए हैं। जहाँ तक पहले ये व्यवस्था थी 2014-16 में, सभी कैंडिडेट जो इंटरव्यू देते थे उन सभी के रिटर्न मार्क्स और इंटरव्यू मार्क्स शो होते थे। तो आई होप इसके लिए कुछ अच्छे प्रयास होने चाहिए, सभी को मांग करनी चाहिए। आप सभी चैनल से जुड़े रहिए, धन्यवाद।